व्यापारी की हत्या के आरोपी को जिला न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है। दरअसल घटना 2018 की है, जब रायपुर करछुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहदी गांव में 17/9/2018 की रात्र करीब 9 बजे मैनुद्दीन खान की धारदार औजार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने भोला चौरसिया और राम सलोने उर्फ ललई चौरसिया को आरोपी बनाया था। पुलिस ने आरोपियों के खून से सने कपड़े भी बरामद किए थे। FIR दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां अष्टम न्यायाधीश की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। विद्वान न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए भोला चौरसिया को जहां दंडित किया, वहीं राम सलोने उर्फ ललई को पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण बरी कर दिया। बरी आरोपी की पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार ने की थी। पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम श्री प्रवीण सिंह जी के न्यायालय में रीवा में चिन्हित मामला जो स्टेट ने डिक्लेयर किया हुआ था, 302 का हत्या का मामला था, वो वर्ष 2018 को घटना होती है आपको रायपुर थाना अंतर्गत बरहदी गांव के पास। उसमें शेख मैनुद्दीन नाम का एक व्यक्ति रहता है, जो कि मोटरसाइकिल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का मरम्मत करने का काम करता है। वो अपने दुकान बंद करके आ रहा था रात में 8-9 बजे के करीब, तो उसको रास्ते में दो लोगों ने मिल करके धारदार चीज़ से मार करके उसकी हत्या कर दी। उसका गर्दन काट दिया, उसकी गर्दन कट के जब गिर गई दूर, वो भी गिर गया दूर, उसकी मौत हो गई, मौके में ही मौत हो जाती है। उसके पश्चात 18/9/18 को रिपोर्ट दर्ज होती है रायपुर में, और आरोपी भोला चौरसिया और आरोपी राम सलोने उर्फ ललन इनके विरुद्ध 302-201 का मामला पंजीबद्ध किया जाता है, और 25 आर्मशीट का मामला पंजीबद्ध किया जाता है। इन सबको मामला पंजीबद्ध करने के पश्चात गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के पश्चात माननीय न्यायालय JMFC के समक्ष पेश किया जाकर केस को कमिट किया जाकर माननीय सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसका विचारण जो है चिन्हित कोर्ट में किया गया, चिन्हित अदालत में किया गया, जिसमें चिन्हित मामले ही सिर्फ चलते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट जो है ऐसे मामलों को, जो मामले गंभीर होते हैं, उन मामलों में सजा दिलाने के लिए ADPO की नियुक्त करती है, कि ADPO इस मामले में पैरवी करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कन्विजन कहानी के अनुसार, कि जिनको दो लोगों को मुलजिम बनाया गया है, उन लोगों ने मृतक मैनुद्दीन की तो हत्या की, पर हत्या करते समय उन लोगों ने के शरीर में कपड़ों में खून आ गया था, जिसकी FSL से जांच कराई गई। तो FSL से जांच करने के पश्चात ये FSL द्वारा रिपोर्ट दी गई कि जो मृतक का खून था, वो मानव रक्त तो था ही, जो मारने वालों के शरीर कपड़ों में खून पाया गया था उसमें में भी मानव रक्त मौजूद था, ह्यूमन ब्लड मौजूद था। तो इस FSL रिपोर्ट से भी ये लग रहा था कि ये ह्यूमन ब्लड जो है इनके शरीर में कैसे आया, ये कपड़ों में कैसे आया। ऑनरेबल कोर्ट के सामने, चूँकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा था राम सलोने को और भोला चौरसिया की ओर से मैं नहीं था, इस फैसले में जो आज फैसला हुआ है, राम सलोने उर्फ ललई चौरसिया को माननीय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने दोष मुक्त घोषित किया है, और भोला चौरसिया को धारा 302 में सजा दी है आजीवन कारावास की। भोला की ओर से मैं पैरवी नहीं कर रहा था, पर राम सलोने की ओर से मैं पैरवी कर रहा था, और ललन को दोष मुक्त घोषित किया है।